आज हम जा रहे हैं चित्रास। हम इधर नाश्ता करने के लिए रुके हैं। इस्लामाबाद से चित्राल पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 10 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। इस्लामाबाद से आधा रास्ता तय हो चुका है। ये हैं हमारे साथ मोटा भाई। हमने जाना है इधर चित्राल। हम इधर रुके हैं खाना खाने के लिए। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं चित्राल। चित्राल पहुंचने से पहले सबसे पहले आता है अयोन विलेज, जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव है। हम जा रहे हैं पुणे चित्राल तक। दूसरी गाड़ी में आए थे और अब हम जा रहे हैं दूसरी गाड़ी में। पुणे चित्राल का ही एक शहर है। आज की रात पुणे स्टे करेंगे और वहां से काकलेस्ट मेडोज। कल रात को हम इस होटल के अंदर रुके थे, काफ़ी देर हो गई थी तो इसलिए हम सो गए थे। काकलेस्ट मेडो की तरफ रवाना होते हुए भाई का हमने हाथ दो मिल नहीं मैंने हाथ उनका दरवाजे में और हाथ चेक करवाओ भाई, बच गया कि नहीं? बच गया यार, अपनी बात खुद करनी चाहिए। मैंने दरवाजा बंद किया और उनका हाथ हाथ के अंदर आ गया। अगर आप सर्दियों में आते हैं तो इस सारे मैदान में बर्फ होगी। हम इधर आए थे कार पे, नॉर्मल गाड़ी पे, लेकिन वो चढ़ाई पे ऊपर नहीं चढ़ी तो वो दूसरा रास्ता तैयार करके आएंगे। जब भी हमेशा आए तो बड़ी गाड़ी पे आना है, 4x4 पे। ये तो छोटी गाड़ियाँ चढ़ाइयाँ हैं ना, तो वो ऊपर नहीं चढ़ेंगी। इधर रुके हैं। इम्तियाज़ भाई ने हमें गाइड किया है कि ये जो फूल है ना, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। ये
ये फूल यहाँ का कल्चर का फूल है, ये ऐसे लगाते हैं लोग यहाँ पे। खुशबू इसकी बहुत प्यारी है, अक्सर यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे ना तो उन्होंने ऐसे लगाया होता है। रिवर ऑफ गोल्ड कहते हैं कि किसी जमाने में इस दरिया से सोना निकाला जाता था। खाना खाया, खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं गर्म चश्मे की तरफ। अब जा रहे हैं बुझो बुझो किधर जा रहे हैं गरम चश्मा गरम। ये जो चश्मा है हमारे पाकिस्तान का चश्मा है, ये गरम 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 चश्मा है। अब हम गरम चश्मा पहुंच चुके हैं और अब यहाँ थोड़ी देर नहाएंगे। नहाने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। देखने तो हम इधर गरम चश्मा आए थे लेकिन इधर कोई गरम चश्मा नहीं है, ठीक है। इधर टूटियां लगी हुई हैं, उनसे कहते हैं कि गरम पानी आता है। और उसकी स्टोरी ये है कि आप अगर एक बार नहा लेना तो आपको कोई बीमारियां वगैरह नहीं लगती। लेकिन इधर आके बड़ी नाउमीदी से हम वापस जा रहे हैं, इधर कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो के देखने के लिए हो। अगर आप कभी किसी भी अननोन जगह पर विजिट करने के लिए जाते हैं तो आप अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन ले लें। कोशिश करें कि गूगल से ना लें, क्योंकि हमने गूगल से इन्फॉर्मेशन ली थी और हमें ये था कि गरम चश्मा ऐसा होगा। काफी सारे मार्कर देखे हैं जो कि पाकिस्तान के नेशनल जानवर है, आपको दिखाते हैं कैमरे में। क्यों मैं ना अच्छा लगा है कि हमने कौमी जानवर देख लिया। मार्कोर देखने के बाद वापसी पे हमें रात हो गई थी, तो इस होटल के अंदर हमने स्टे किया, खाना खाया और सो गए। सुबह उठ के सबसे पहले तो ड्रोन शॉट लिए, उसके बाद नाश्ता किया। उसके बाद हम पहुंचे शाही किला देखने के लिए, जो कि 1911 में किसी बादशाह ने बनवाया था। 2015 में जलजला आने की वजह से किले को काफी नुकसान हुआ, जिसको मजबूरन बंद करना पड़ा। अब आपको दिखाते हैं चित्राल की शाही मस्जिद। अब हम जा रहे हैं तलाश मेले की तरफ, जो कि चुजंगल का थर्ड डे है।
इस ब्रिज से कैलाश वैली शुरू होती है। कैलाश वैली में बेसिकली तीन गांव हैं, बुमरीत, रुमबुर और बरीत। ये फेस्टिवल बुमरीत है तो हम बुमरीत आए हैं। बुमरीत पहुंच चुके हैं और ये हमारे साथ दिल भाई जो कि फुल कैलाशी बने हुए हैं अपने, और साथ दूसरे बेबी फेस्टिवल शुरू होने वाला है तो पाप फेस्टिवल दिखाएंगे। इनका रस्मी फेस्टिवल है